So hi guys, good morning and welcome back to my another cooking video. Hope you guys are doing good and great as well. So guys, मेरे आज के वीडियो की टाइटल और थंबनेल को देख के आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि आज की जो रेसिपी होने वाली है ये थोड़ी सी हेल्दी होने वाली है और जो बेसिकली लोग डाइट पे हैं उनके लिए ये होने वाली है और जो डाइट पे नहीं है उनके लिए भी ये सोने पे सुहागा होने वाली है रेसिपी. सो गाइज, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं या हम हेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अवॉइड करते हैं मार्केट की, चाहे कोई भी जंक फूड, जो हम सभी चीज़ों को अवॉइड करते हैं. बट कभी कभी मंथ में, वीक में, कभी कभी वो गंदी वाली क्रेविंग्स आती है कि यार आज मोमोज खाने का मन कर रहा है, आज बर्गर खाने का मन कर रहा है, बट क्योंकि हम डाइट पर होते हैं तो हम वो चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, नहीं खाते हैं. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर आप लोग हैं डाइट कि अगर आप लोग भी हैं डाइट पर, आप लोग भी डाइट फॉलो कर रहे हैं, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों की क्रेविंग हो रही है, आप लोगों को क्रेविंग हो रही है मोमोज खाने की, सो आज आपकी वो क्रेविंग के लिए. सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मोमोज की रेसिपी, जिसको अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भी आप बिना किसी टेंशन के इसको खा सकते हैं. अब आप भी सोचेंगे कि ऐसे कौन से मोमोज हैं जिसको हम डाइटिंग करते हुए भी खा सकते हैं. ऐसे मोमोज होते हैं गाइज जिसको आप खा सकते हो. सो आज मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कैबेज मोमोज की, जो बिल्कुल लो इन कार्ब्स होते हैं. तो बेसिकली जब भी हम डाइटिंग पे होते हैं या हम हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारे जो कार्ब्स होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं, है ना. तो ये जो रेसिपी होने वाली है ये ऐसी ही एक कैबेज मोमोज की रेसिपी है. आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है ये और आप चाहें अगर आप डाइट में हैं तो आप इसको बड़े ही आराम से बना के बहुत क्विकली बन भी जाती है और आप बेझिझक इसको खा सकते हैं बिना किसी टेंशन के कि आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा या आपकी डाइट जो है वो टूट जाएगी, कुछ भी नहीं होगा. तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ा लेते हैं. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जितने भी मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा. सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने कैबेज लीव्स को लिया हुआ है जिनको मैंने इस तरीके से बड़ा बड़ा, आप देख सकते हो, पील ऑफ किया हुआ है. सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने रख दिया था जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था. अब हमें इनको इसके अंदर डाल देना है, हमारे कैबेज लीव्स को हम इसके अंदर डाल देंगे, इनको अच्छे से वॉश कर लें पहले, उसके बाद ही डालें. तो ये सारे हम डाल देंगे अभी. सो गाइस, इसको यहाँ पे हार्डली 2 मिनट के लिए हम इस तरीके से ड्रेंच कर देंगे बॉईल होते हुए पानी के अंदर. सो यहाँ पे गाइज ये मेरे डन हो गए हैं, आप देख सकते हो कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया है. इट मींस कि ये जितना हमें कुक करना था उतना हो चुका है. तो अब फटाफट से इन सबको मैं एक सेपरेट प्लेट पे निकाल लूँगी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ये कुक हो चुके हैं जितना हम इन्हें करना चाहते थे. सो यहाँ पे गाइज मैंने इन सबको ओपन करके रख दिया है ठंडा होने के लिए. तो ये जब तक ठंडे हो रहे हैं हम फटाफट से इनकी हेल्दी से स्टफिंग बना के रेडी करते हैं. सो यहाँ पे गाइज हमने कढ़ाई ले ली है. कढ़ाई में सबसे पहले तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है. बनाने वाले हम इसको बटर में हैं, मतलब सब्ज़ी जो हमारी हम सॉटे करेंगे वो हम बटर में करने वाले हैं. तो ये ऑयल इसलिए डाला है मैंने ताकि ये जले ना बटर, इसको मेल्ट कर लेंगे बटर को. सो बटर मेरा गर्म हो गया है. अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर दे रही हूँ ग्रीन चिलीज़. टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिलीज़ आप लोग ऐड करिएगा. हल्का सा टॉस करूँगी. मिर्च हमारी भून गई है. अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हमारा चॉप करा हुआ अनियन. बारीक चॉप करा हुआ अनियन लेना है यहाँ पे. और स्टफिंग आप जितनी हेल्दी चाहो उतनी हेल्दी बना सकते हो. आप इसके अंदर और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो. प्याज भी गैस हमारा हल्के सॉटे हो गया है क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा सब्जियों को बिल्कुल पकाना नहीं है. ये हमारी गई कैरेट्स. कैरेट्स मैं ज़्यादा डाल रही हूँ. आप चाहो तो इसमें रेड ग्रीन और येलो बेल पेपर भी ले सकते हो. नाउ अब हम अपनी कैरेट्स को भी अच्छे से सॉटे करेंगे प्याज के साथ में. सो गाइस हल्के फुल्के मसाले ऐड कर लेती हूँ. सबसे पहले ऐड कर दे रही हूँ मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर.
थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दे रही हूँ, एंड देन फाइनली वी विल ऐड रेड चिली फ्लेक्स और साथ में चला जाएगा हमारा धनिया। एक बार अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लेंगे एंड देन उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ वी विल ऐड सॉल्ट। सॉल्ट हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी जब हमने उनको ड्रेंच किया था तो हमने यूज किया था। एंड नाउ वी विल ऐड वाइट विनेगर, दैट्स इट। एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे एंड इट्स डन। सो ये गाइस हो चुकी है डन, इसको ठंडा होने रख देते हैं फटाफट से स्टफिंग को। सो गाइस यहाँ पे मेरी स्टफिंग भी हो चुकी है ठंडी और मेरी जो हमने लीव्स लिए थे ये भी ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि इनको भरने से पहले हमें एक क्या प्रिकॉशन लेनी है। सो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हमें लीव को लेना है और ये जो मोटा वाला पार्ट होता है ना इसको अपने को हटाना है, हटाना इन द सेंस पूरा कट नहीं कर देना है, थोड़ा केयरफुली हम उसको पतला कर देंगे, मतलब ये जो मोटा वाला स्पेस है इसको हल्का हल्का सा हम रिमूव करेंगे जिससे कि हमें इसको क्लोज करने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से ये हम हटा लेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये पतला हो गया यहाँ से। इसी तरीके से दूसरा ले लेंगे, इसको भी मैं हटा दूंगी। तो इसी तरीके से सबकी हम रिमूव कर लेंगे। एक बार कर लेती हूँ फिर आपको स्टफिंग दिखाती हूँ कैसे फिल करनी है। सो ये गाइज मेरे डन हो गए हैं, मैंने सब लीव्स के जो मोटा वाला पार्ट था उसको रिमूव कर दिया। आप फटाफट से हम आपको स्टफिंग भर के बताती हूँ मैं कैसे करना है। सबसे पहले लीफ को ले लेना है और सेंटर पार्ट के अंदर स्टफिंग लेंगे हम। स्टफिंग को प्लेस करेंगे इस तरीके से और इसको अब हम क्लोज करेंगे, दोनों साइड से क्लोज करेंगे। मोटा वाला पार्ट हम अंदर करेंगे जो हल्का मोटा होता है और ये वाला पार्ट जो है लीफी पार्ट इसको हम बाहर करेंगे और साथ में एक ले लेंगे हम टूथपिक एंड नाउ इसको टूथपिक की हेल्प से क्लोज कर देंगे। इस तरीके से इसका एक पार्सल बना के हम रेडी करेंगे। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये हमारी लीफ है, लीफ के अंदर स्टफिंग फिल करेंगे। इसको क्लोज करेंगे, मोटा पार्ट अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट आउटसाइड आएगा एंड देन क्लोज कर देंगे इसको टूथपिक की हेल्प से। सो इस तरीके से ही हम सारे पार्सल्स अपने बना के रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पे गाइज मैंने अपने सारे मोमोज पार्सल्स बना के रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुली ट्रांसपेरेंट ये लग रहे हैं। तो अब आपको फटाफट से नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ हमें इसके साथ में क्या करना है। सो यहाँ पे गाइज मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ले लिया था बटर। अब बटर के अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर फॉर कलर एंड देन थोड़ा सा ही साथ में ऐड कर देंगे हम इसके अंदर ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब्स आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हो। सो इनको हल्का सा भूनने के बाद में अब हम अपने जो हमने बनाए हुए थे ये मोमोज पार्सल्स इनको इसके अंदर प्लेस करेंगे, सबको प्लेस कर देंगे हम। अब इनको गाइस हमें ना हल्का हल्का सा सिर्फ क्रिस्पी करना है दोनों साइड से, बहुत हल्का हल्का सा। पहले वन साइडेड करते हैं देन हम इसको अनदर साइड से करेंगे। वाओ आप देख सकते हो
हल्की हल्की क्रिस्पीनेस इनके ऊपर आ रही है। सबको फ्लिप कर लेंगे। सो एज यू गाइस कैन सी ये हल्के हल्के क्रिस्पी हो गए हैं, तो अब फटाफट से हम अपनी डिश को आउट कर लेते हैं और आप लोगों को मिलती हूँ मैं इसकी प्लेटिंग पर। सो ये गाइस हमारे लो कार्ब कैबेज मोमोज बनके हो गए हैं रेडी, जिसको मैंने यहाँ पे सर्व किया रेड कैचअप के साथ में और हरे धनिया की चटनी के साथ में, धनिया पुदीना की चटनी, और ये कैचअप मैंने लिया है। एंड आप देख सकते हो कि ऊपर से ये ग्रीसी टेक्सचर जो आ रहा है, ये आ रहा है जो हमने इनको बाद में बटर और ओरिगैनो में जो टॉस किया था हल्का सा, उसका आ रहा है। सो आई होप आपको मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको भी मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही है एंड यू आर ऑन डाइट, तो आपके लिए ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का कर लेती हूँ एंड और मिलती हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।